विभिन्न बाधाओं के लिए विभिन्न उपचार, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की निवारण। ये सिर्फ मैं पूरे दुनिया घूमता हूँ तो देखता हूँ कि भारत में ही यह संभव है। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कहा जाता है कि शनिवार को पीपल के वृक्ष का प्रदक्षिणा करो, शनि के बाधा से मुक्त हो जाओ। कई मूर्ख, कई नास्तिक तुरंत हंसी उड़ाते हैं कि किसी पेड़ को घूमने से क्या पीड़ा मिलती है, लेकिन हमारे पूर्वज ऋषि मुनि इतने ज्ञानी और इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उनको मालूम था कि हम जिसको दशा बोलते हैं, जिसको ग्रह दशा बोलते हैं, वो हमारे शरीर पर विभिन्न विभिन्न समयों में ग्रहों से निकलने वाले तरंगों के परिवर्तन। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं तो शनि दशा किसे कहते हैं। जब जितने साल की दशा बताई गई है उतने समय तक शनि ग्रह के तरंगों को आपका शरीर खींचता रहता है। अगर तरंग खींचते समय आपका शरीर सकारात्मक हो तो शुभ फल देने वाला, नकारात्मक हो तो अशुभ फल देने वाला बनता है शरीर। आप कहेंगे कि भारत में 100 करोड़, 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो क्या इतने लोगों के अलग 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 दशाएं अलग अलग दिनों में शुरू होकर अलग अलग पूरा हो सकता है? ग्रह तो एक साथ घूमते हैं, सैटेलाइट तो एक साथ आकाश में रहते हैं, लेकिन टीवी में हर घर में अपने मनचाहा चैनल जैसे चलता है, वो कैसे चलता है? इस टीवी ने जिस चैनल को चाहा उस चैनल के दृश्य को अपने टीवी में दिखाता है। वैसे ये शरीर भी जिस समय जन्मा उस हिसाब से उसके अंदर स्थित ग्रह ऊर्जाएं समय पा करके क्रम से परिवर्तित होके आपके शरीर में बदलाव के कारण विभिन्न असर दिखाते हैं। इसलिए कभी किसी को शनि दशा लग जाती है, किसी को क्या लग जाती है, किसी को क्या हो जाता है, यानी उस समय आपका शरीर उस ग्रह के असर को अपने शरीर में खींच रहा है, उस ग्रह के तरंगों को आपके शरीर में खींच रहा है। और उस समय जो शरीर नकारात्मक है उन ग्रह के तरंगों से नकारात्मक प्रभाव को जीवन में दिखाएगा, जो शरीर सकारात्मक है वो सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। शनि जैसे देने वाले भी नहीं, शनि जैसे मारने वाले भी नहीं, ऐसे कहते हैं। वो आपके अपने शरीर से जुड़ा है, पुण्य फल और कर्म से जुड़ा है, वो शनि से नहीं जुड़ा है। आप अगर पुण्यवान हैं, सर्वोत्तम हैं, तो शनि का प्रभाव आपको राजयोग प्रदान करेगा। और आप अगर जीवन में किए हुए पाप और पूर्व जन्मों के श्राप ताप से पीड़ित हैं तो ये शनि का प्रभाव आपको कंगाल भी बना सकता है। तो ये प्रभाव हमारे शरीर की ऊर्जा ग्रहों को खींचने से होता है। हमारा शरीर ग्रहों को खींचता है तो खींचते समय उसके हिसाब से परिवर्तन होते हैं, खींचते समय उसके हिसाब से कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। भाग्यशालियों, आज मैं आपको कुछ विशेष बात बताना चाहता हूं। जब आप पीपल वृक्ष के पास जाते हो तो क्या होता है? आपके शरीर में जो शनि के ग्रहों के तरंगे पहुंच के प्रभाव दिखा रहा है, जब पीपल को प्रदक्षिणा करते हो तो पीपल वृक्ष वो पूरे ग्रहों के तरंगों को अपने में खींच लेता है और आपका शरीर बिल्कुल उस ग्रह के प्रभाव से निष्प्रभाव हो जाता है। इसलिए हमारे में पीपल वृक्ष को चक्कर लगाने की बात नहीं है।